मैं भूल गई हूँ सारे प्राइस। जब मैं 11th-12th में थी मैं अभी भी हॉल वीडियोज देखती थी, तो मैं उस टाइम में मुझे काफी शौक चढ़ता था कि मैं हॉल वीडियोज देखूँ। उस टाइम मेरा भी मन करता था कि चलो मैं अभी हॉल वीडियोज बनाती हूँ, बट उस टाइम मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था कि मैं कैसे वीडियोज बना सकती हूँ। बट आज मेरे पास यूट्यूब है, तो मैंने सोचा कि वाई नॉट एक हॉल वीडियोज बनाया जाए। और मैंने इस बार मिंत्रा से क्या क्या शॉपिंग की जो इस बार शेयर आया था, तो क्यों ना सबको दिखाया जाए। तो यहाँ है हम अपना हॉल वीडियोस लेके, तो प्लीज लास्ट तक देखना और अच्छे से एंजॉय करना। तो चलो फिर हम स्टार्ट करते हैं। जैसे सबसे फर्स्ट आइटम है ये मेरा टॉप, जो कि काफी क्यूट है। मुझे ऐसे टॉप्स बहुत अच्छे लगते हैं, जो वेस्ट के पास क्रॉप हो, तो ये बहुत अच्छा, जो मेरी बॉडी स्ट्रक्चर है वो इस टाइप से है। मतलब मेरा वेस्ट सबसे पतला है, बाकी सारी चीज में से वाइड है, तो इस टाइप की बॉडी टाइप है जिसको शायद आवर ग्लास परफेक्ट नहीं। मेरी अपर बॉडी पतली है, नीचे लोअर बॉडी थोड़ी हैवी हो जाती है, तो उस टाइप की जो गर्ल्स होती है उस पर इस टाइप के टॉप्स काफी अच्छे लगते हैं। तो ये है मेरा फर्स्ट आइटम, तो ये था H&M सेक्शन से, और इसकी प्राइस थी 399 ओरिजिनल प्राइस, और मैंने लिया था सिर्फ 233 रुपीज में। इस टाइम मुझे काफी अच्छा डिस्काउंट मिल गया था। तो उसके बाद मुझे एक और टॉप काफी क्यूट लगा था, ये ऑलिव ग्रीन कलर में, जो कि बहुत ही क्यूट सा कलर है, बहुत ही सटल सा। तो उस टाइप के टाइम्स होते हैं ना, जब आपको किसी से मिलते जाना हो और आपको ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं करना चाहते हो, तो जस्ट ऐसे क्यूट से क्रॉप टॉप ऐड करो और एक नॉर्मल सी जीन्स एंड यू आर गुड टू गो। तो और मैं इधर पिक्चर करा दूंगी ये वेबसाइट पे कैसा दिख रहा था, और इस साइड प्राइस मेंशन कर दूंगी इन द केस अगर मैं किसी प्रोडक्ट का बताना भूल गए तो। नेक्स्ट प्रोडक्ट था ये पैंट, जो कि मुझे ये भी बहुत पसंद है। सॉरी मैं पूरा ये मेरा पैंट दिख नहीं रहा है, बट मेरे साइड पे वीडियो लगा दूंगी जिसमें मेरा ये पैंट पूरा दिख गया। तो ये सा फ्रंट में दो पॉकेट है, पीछे में दो पॉकेट है इसमें, और ये काफी क्यूट है। सॉरी मैं, पर मैं क्या बोलूं, मैं आज तक मैंने कितने भी जींस लिए हैं उन सबसे ज्यादा सेटिस्फाइड मैं इस पैंट से हूँ। वो सारे इससे ज्यादा महंगे थे, बट इतने से उतनी ज्यादा सेटिस्फाइड हूँ जितना इस पैंट सेटिस्फाइड हूँ। क्योंकि सो ये भी मैंने मिंत्रा से ही लिया था, ये था ससपरास ब्रांड से, साइज था इसमें मैंने पहले 30 ऑर्डर किया था, फिर जाके मुझे वो साइज भी लूज हो रहा था, तो जाके मैंने 28 किया, 28 परफेक्ट था। तो मैं ये सजेस्ट करूंगी जिसकी जो भी साइज है प्लीज उससे एक साइज नीचे ही ऑर्डर करना। और इस प्रोडक्ट की मैं पिक्चर यहाँ पे डाल दूंगी कि वेबसाइट पे कैसा दिख रहा था। ओके, और ये मुझे 665 रुपीज में पड़ा था। आई नो ये सब बोला जा सकता है कि थोड़ा सा कॉस्टली है, क्योंकि बहुत ही नॉर्मल सा वाइट टेक पैंट है, बट सीरियसली ये वर्थ इट है, वर्थ इट। इससे ज्यादा कंफर्टेबल पैंट मैंने आज तक नहीं देखा, ये सीरियसली इतना ज्यादा कंफर्टेबल है, मुझे बता नहीं सकती कि कितना ज्यादा कंफर्टेबल है। काश मैं आप लोगों को फील करवा पाती कि कितना ज्यादा कंफर्टेबल है। एंड द थर्ड आइटम इज दिस, ये एक बहुत ही क्यूट सा एक टॉप था, ये मैंने मिंत्रा से नहीं आजियो से लिया है, और ये काफी क्यूट टॉप है। सीरियसली आई एम डन श्योर कि सबको काफी क्यूट लगता है, जब भी मैंने मतलब कितनी भी मूवमेंट्स और सबको दिखाया था टॉप काफी क्यूट है। इसका सबसे बेस्ट पार्ट है इसका स्वीट हार्ट नेकलाइन, ये बॉडी पे इतने अच्छे से फ्लैट होता है, मतलब इतने अच्छे से ये फ्लैटरिंग दिखाता है कि मैं बता नहीं सकती कितने ज्यादा से था। तो ये मैंने कुछ दिन, मतलब ये इस बार तो नहीं गया लेकिन कुछ महीने पहले लिया था, तो फिर मैंने सोचा कि मैं इसको दे दिखाऊं कि अगर किसी को कुछ पसंद आए तो प्लीज इसे बाय कर लेना। और ये काफी क्यूट टॉप है, तो ये इसका प्राइस तो मुझे अच्छे से याद नहीं है, मुझे इतना याद है कि मुझे 300 के बिलो ही पड़ा था। तो ये काफी क्यूट है और इसकी लेंथ भी काफी अच्छी है, यहाँ पर ये वो टाइप से बंधा हुआ है, इसे आप बांध नहीं सकते, इसे ऑलरेडी बंधा हुआ है, तो ये भी काफी क्यूट टॉप है। फ्रेंड्स ये काफी क्यूट है, तो चलो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक बढ़ते हैं, टॉप ड्रेस जो भी हो, बट ये काफी क्यूट है, मतलब मेरे को ज्यादा तारीफ करने लग जाती हूँ, इट्स ओके बट ठीक है। ओके सर, अब आते हैं कुछ ड्रेसेस वाले कैटेगरीज में। तो ये है मेरा फर्स्ट ड्रेस जो कि मैंने मिंत्रा से ऑर्डर किया था, तो ये है ससपरास ब्रांड से, वोमेन ओली ग्रीन। तो मैं एक पिक्चर यहाँ पे इंसर्ट कर दूंगी कि ये वेबसाइट पे उसका क्या नाम है, आप उसको सर्च कर सकते हो। और वैसे मैंने जितने भी ड्रेसेस के लिंक पॉसिबल होंगे वो सब मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी कि किसी को प्रॉब्लम ना हो कोई भी ड्रेस के लिंक होने में या कुछ भी मिले, तो प्लीज वहाँ से देख लेना सब कोई, अगर किसी को कुछ पसंद आए तो आई होप सब कुछ तो पसंद आए हैं, प्लीज खरीद लेना। तो ये था इसकी ओरिजिनल प्राइस अभी 809 रुपीज़ है, जो कि अभी वेबसाइट पे दिख रही है, और लेकिन मुझे ये 629 या 627 रुपीज में मिला था, जो कि काफी अच्छी डील है, क्योंकि ड्रेस बहुत क्यूट है, इतनी स्वीट और सिंपल। मुझे ज्यादा कुछ
हैवी ड्रेसेस नहीं पसंद है, लाइक कुछ ज़्यादा डिज़ाइन डिज़ाइन, सो मुझे वैसे वैसे ड्रेसेस टॉप्स बिल्कुल नहीं पसंद है। मैं बहुत ही स्वीट और सिंपल ड्रेसेस में जाती हूँ, टॉप्स सारी चीज़ों में बहुत स्वीट एंड सिंपल। तो इसका नेक बहुत क्यूट है, लाइक स्क्वायर नेक है, और इसका जो ये वाला जो पैटर्न है, लाइक ये सारे जो है ये चिकनकारी इसको बोलते हैं, हाँ तो ये चिकनकारी पैटर्न में, और इसका जो ये नेक वाला जो पैटर्न है इसको क्या स्मोक पैटर्न बोलते हैं उसमें है, और बाकी जो इसके ये फ्लेयर्स है ये भी सब पे चिकनकारी का ही काम है, जो कि काफ़ी क्यूट है। और ये बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं है, क्योंकि इसके नीचे एक लाइनिंग दी हुई है जिससे कि पूरा ढका हुआ रहता है, क्योंकि चिकनकारी में क्या होता है कि सारे जगह में होल्स होती है, वो होल्स कुछ भी दिखने का कोई चांसेस नहीं, क्योंकि अंदर में एक लाइनिंग दी हुई है। तो आई नो ये टॉप पूरे जैसे लगा कि ड्रेस पूरी जैसे दिख नहीं पा रही होगी, पर नहीं आप एक वीडियोज में ये ड्रेस पूरी दिखेगी, सो डोंट वरी। और चलते हैं आपके नेक्स्ट और लास्ट ड्रेस पे। तो ये है सबसे आज का लास्ट आइटम, मेरे कपड़े खत्म हो गए फिर। मेरा बस एक ख्वाब है कि मैं हमारी मन के लाइक इतना शॉपिंग करूँ, इतना शॉपिंग करूँ, इतना शॉपिंग करूँ, मैं बता नहीं सकती मैं कितना शॉपिंग करूँ। तो ये था आज का लास्ट ड्रेस मेरे पास, और ये मैंने आजियो से परचेज किया था। ये जो ड्रेस है लाइक मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, बट जब आप पहनते हो ना तो ये लाइक एक बहुत बहुत ही स्वीट और क्लासी सा लुक देता है, ये काफ़ी क्यूट है। और इसको आप मतलब अगर आप डे में पहन रहे हो उसको स्नीकर के साथ, और अगर नाइट में कभी कुछ पहनने का हो तो ब्लैक हील के साथ, लाइक माशाल्लाह लगने वाला ये ड्रेस। तो ये मैंने आजियो से लिया था, ये मुझे अराउंड 300 के आसपास पड़ा था। ये कोई देख के बोल नहीं सकता कि 300 का ड्रेस है, लाइक हम सीरियसली बोल रही है, इतना ज़्यादा क्यूट है। और ये मुझे बस 300 रुपीज़ में मिला था, और उसके बाद से जो ये आउट ऑफ स्टॉक हुआ, लाइक मैं कितने लोग उसका लिंक देने की कोशिश की, हर कुछ करने की कोशिश की, शायद मैं उसके लिए ऑर्डर करते हो, क्योंकि ये ड्रेस काफ़ी लोगों को पसंद आ रहा था, पर मैं किसी को लिंक नहीं दे पा रही थी, क्योंकि एक बार जो आउट ऑफ स्टॉक हुआ उसकी वजह से वो मुझे दिखाई दे ड्रेस के वो कहाँ गया। तो अफसोस मैं इसका लिंक नहीं दे पाऊँगी, बट जस्ट मी इट्स वेरी क्यूट इस टाइप वाला क्यूट। तो बस इस वीडियो को हम यही ख़त्म करते हैं, पर अगर किसी को भी जस्ट इन सारे ड्रेसेस में, जीन्स में, टॉप्स में कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ ऑर्डर करो, ये सारा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे है। और प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब कर देना, और प्लीज़ हाँ कमेंट करके जरूर बताना कि लाइक मेरा कौन सा ड्रेस आपको अच्छा लगा, लाइक मेरे ऊपर, और कौन सा टॉप अच्छा लगा।